साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल देख के और जो है कमेंट करते हैं, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, डी फार्मा, बी फार्मा या फार्मेसी से रिलेटेड वो हमसे क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर हूँ। जो भी विद्यार्थी या कॉलेज से जो है डी फार्मा या बी फार्मा करके आते हैं और हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने जो है गर्ल ने पूछा है, डिप्लोमा सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, कि सर आई हैव क्वेश्चन, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अभी डी फार्मा कर रही हूँ, तो कौन सी न्यूज पेपर पढ़ूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। विद्यार्थी मतलब जो है डी फार्मा सेकेंड ईयर में है और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है जानना चाहती है कि वैकेंसी किस में निकलती है, तो उसको जो है जॉब भरने के लिए एडवांस प्रिपरेशन में वो पूछना चाहती है। तो साथियों, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए क्या है कि डी फार्मा अगर आपने किया है और रजिस्ट्रेशन हो गया है तो ऑल इंडिया कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो जिस स्टेट में रह रहा है उसकी जो है चिकित्सा एंड स्वास्थ्य सेवाएँ होती हैं, जिसमें 100 बेड आते हैं, CSC, PSC होते हैं, एडिशनल CSC होती है, PSC होती है, संयुक्त चिकित्सालय होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, और क्या होता है मेडिकल कॉलेज होते हैं, और उस स्टेट की ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं, साथ ही साथ उस स्टेट में PGI होते हैं, सभी जगह जो है गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की जॉब निकलती है। साथियों, फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल में काम क्या है, दवा के वितरण से लेकर रख रखाव तक का, जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट का ही काम है। साथियों, उसके बाद क्या होता है कि जो है आजकल जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में जो है जॉब निकलती है, उसमें क्या होता है कि साथियों उसमें जो है साथियों सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, और जो है साथियों क्या होता है कि डी फार्मा होना चाहिए। उसमें एलिजिबिलिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है, और क्या होता है कि फार्मासिस्ट की पोस्ट मिलती है सब इंस्पेक्टर की। बांटना दवा ही है, लेकिन आपको उनके रूल के हिसाब से वर्क करना पड़ता है। उसी तरह से क्या होता है कि जो है केंद्र की ESI हॉस्पिटल है, उसमें भी निकलती है, रेलवे में है, इफ्को में है, टाटा कंसल्टेंसी है, और NTPC है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी है, बहुत जगह निकलती है, इसरो में है, सभी जगह जहाँ भी बड़ी संस्था है वहाँ पे हॉस्पिटल होगा, जहाँ हॉस्पिटल होगा वहाँ फार्मासिस्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि फार्मेसी और दवा का रखरखाव और वितरण और दवा तक की डोज तक की बताने का काम फार्मासिस्ट का है। वैसे साथियों, सरकारी result.com वेबसाइट है, आप अपने अगर लॉगिन कर लेंगे मोबाइल पे, या सरकारी job.com है, लॉगिन कर लेंगे और उसमें ऑप्शन होता है कि टिक करेंगे जैसे फार्मासिस्ट की, तो जितनी भी ऑल इंडिया सरकारी जॉब होंगी वो आपके पास आ जाएगी। अदरवाइज आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और टाइम ऑफ इंडिया, उसमें न्यूज निकलती है, और बहुत सी ऐसी जो है क्या कहते हैं कि वो शॉप है, वहाँ पर जॉब का जो है जॉब अलर्टनेस जो है होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्म बिकते हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो साथियों, न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके अब तो बहुत आसान हो गया है कि आप जो है मोबाइल पे अपने जो है गूगल पे सर्च करके डाल सकते हैं। सपोज दैट आप लिखेंगे सरकारी जॉब इन फार्मासिस्ट, तो आपको ऑल इंडिया आ जाएगा, जैसे सरकारी जॉब 2021, तो उसमें जितनी भी 21 में जितनी भी जॉब होंगी वो सारी जो है आ जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही आसान है, लेकिन अभी मैं यही विद्यार्थी से कहूँगा, सबसे पहले वो अच्छे नंबर से सेकेंड ईयर को जो है पास करें, फिर हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करें, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल से टच में रहेंगे तो हम बीच बीच में जो भी सरकारी जॉब निकलती है फार्मासिस्ट की, उस पर भी हम वीडियो बनाते हैं। आपको आसानी होगी कि हम समय समय पर कहीं भी ऑल इंडिया में जॉब निकलती है बताते रहते हैं। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।